हेलो एवरीवन आई होप आप सब अच्छे होंगे जैसा कि आपको पता है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंसेक्ट वेक्टर एंड वेक्टर वैक्टरबॉर्न डिजीज के बारे में डिस्कस किया है इसकी मैंने यूनिट वन और यूनिट टू डिस्कस किया है यूनिट टू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो रह गए थे वो मैं अब इस वीडियो में डिस्कस करूंगी इसके साथ ही साथ मैं यूनिट थ्री भी डिस्कस करूंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो नाउ वी विल डिस्कस हम लोग अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे इससे पहले जो भी कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे उसके बाद अब हम इंसेक्ट्स के बारे में उनका फीडिंग डाइजेशन ये सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट बेड बेडबक्स तो बेडबक्स की बात करें तो ये क्या है ये थ्री सेगमेंटेड लेबियम होते हैं इसके बारे में भी पूछा जाता है लॉन्ग में क्वेश्चन आता है इसका जो लेब्रम होता है वो लेबियल ग्रुप से कवर्ड होता है Means ये पूछा जाता है जो इसका बेस होता है वो किससे कवर्ड होता है तो वो लेबियल ग्रुप से कवर होता है इसमें जो हाइपोफेरिंग्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं ये आपका फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन या फिर ट्रू फॉल्स में अगर कभी पूछ लिया गया तो ये आ सकता है अदरवाइज आपका डिफाइन में जब हाइपोफेरिंग्स आता है बेडबंक्स का तो आप उसमें ये चीज लिख सकते हैं मैगजिला जो होते हैं वो भी ग्रुप

हेड पार्ट है उसके बाद कंपाउंड आईस शो हो रही है कंपाउंड आइस के बाद एंटीना है उसमें क्या हमारे हमारे जो है ये फ्लैजला निकले हुए हैं उसके बाद लेबरम वाइट से जो पूरा है शो हो रहा है तो ये जो डायग्राम है ये इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा ये आपका टी ऑफ माउथ पार्ट जो है वो डिफाइन ऑफ द फॉलोइंग में बहुत आता है उसके बाद ये इसका जो बी पार्ट है वो आपको पूरा इसका जो डायग्राम है जो मीज का माउथ पार्ट है उसको इन्होंने शो किया है इसमें आपको बताया है कि कैसे हमारे फूड चैनल्स हैं पहला हमारा फूड चैनल शो हो रहा है फिर देख सकते हैं आप लेबरम है उसके बाद यहाँ पे मैगजिला जो है ब्लैक से वो शो

होता है उसको हॉस्टेलियम कहते हैं ये हमारा द ब्लैंक का क्वेश्चन है इसमें पूछा जाता है कि माउथ पार्ट ऑफ सकिंग लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड आपको इसमें बताना होगा उसके बाद इसके सर्किल ऑफ टीथ होते हैं जो इनर सरफेस पे होते हैं इसका जो काम होता है बेसिकली पेयचिंग इसके जो स्टिलेट्स होती हैं वो क्या करती है पेरचिंग में हेल्प करती है और फीडिंग में करती है अब आगे हम आपको डायग्राम आपको दिखाएंगे जिसमें आप डिटेल में इसे समझ जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं ये हमारा सकिंग लॉस का डायग्राम है जो ए है वो हमारा एल एस है सेक्शन है और बी जो है वो हमारा ट्रांसफर्स सेक्शन इट मीनस टी एस है तो जो लॉन्गेट्यूडनल सेक्शन है वो हमारा हेड का दिखाएगा तो इसमें हम देखते हैं इसमें हमें क्या दिया गया देख सकते हैं आप वाइट से जो पूरा है वो फेरिंग्स है फिर ओसोफेगस है उसके बाद यहाँ पे स्टाइलेट है और आगे हमारा है आपको सारे डायग्राम की एटलीस्ट टू टू थ्री लेबल्स पता ही होने चाहिए क्योंकि वो कोई बिना लेबल करे आप भी मत लिखेगा। उसके बाद भी जो है वो हमारा डैश लाइन आप देख सकते हैं बीच में फूड कैनाल जो शो हो रहे हैं उसको इन्होंने दिखाया है उसके बाद यहाँ पर हमारे क्या है यहाँ पे हमारे कुछ है लेबल है और हमारा हाइपोफेरिंगल है जो कि हमारा डॉटसल सर्फेस मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था वन थे और टू हमारे डॉटसल

ये जो फ्लीज है इसमें आपका ये ह्यूमन फ्ली इसका पहला लेटरल व्यू दिखाया गया हेड का और दूसरा आपका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है माउथ पार्ट का तो देख सकते हैं जो ए है इसमें आप देख सकते हैं ये जो जो है पार्ट का बताया है कैसे इसमें पहले प्रोटनम है फिर हेड है फिर कुछ एंटीना आप देखने का आप देख सकते हैं ब्लैक से पूरे सराउंडेड है फिर हमारे लेटरल ये कैसे हैं और उसके बाद ये जो मैग्लरी पेल्प है ये क्लियरली आपको लास्ट में देख सकते हैं उनको भी इन्होंने डिटेल में बताया एक मैगजलरी है और एक एपीफेरिंग से फिर हम यहां देख सकते हैं इसका ट्रांसफर सेक्शन तो सेक्शन में आप देख सकते हैं माउथ पार्ट का ट्रांसफर सेक्शन में आपका एपीफेरिंग दिया गया बीच में फूड कैनाल दिए गए उसके पल्प दोनों तरफ दिखाए पर पल्प दिखाए और आपके लेबियल पल्प तो पल्प बहुत पूछे जाते हैं ये डिफाइन में भी कभी कभी आ जाता है तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा अब हमारा स्पॉन्जिंग टाइप जिसको हम हाउस फ्लाई कहते हैं इसके माउथ पार्ट की बात करें तो ये सकिंग लिक्विड और सेमी लिक्विड फूड इसका ये बेसिकली एडाप्ट करता है और यहाँ पर इसके जो बता सकते हैं जो लेब्रम होते हैं उसके माउथ पार्ट कौन कौन से माउथ पार्ट कंसिस्ट करते हैं वो एप्पी है मैगजिला है लेबिया में हाइपोफेरिंग्स है इसमें मैंबल्स जो होती है वो एबसेंट होती है और ये जो लेबियम होती है वो लॉन्ग होती है फ्लैशी होती हैं ये इसका फंक्शन भी है यह आपका फिलेंदा

है वो बेसिकली हमारा क्या है वो हमारा सूडो ट्रैकि मतलब वहाँ पे कुछ चैनल्स देखने को हमें मिलते हैं फाइव चैनल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम सूडो ट्रैकि कहते हैं और एक चीज़ इन्होंने और बोली है कि जो सूडो ट्रैकि होते हैं ये कहाँ पे जो माउथ होते हैं वहाँ पे दोनों लोप्स के पास जाके मिलता है मतलब कि वहाँ में देखने को मिलता है और उसका काम क्या होता है वो फूड कैनोल्स को लेट करता है तो बेसिकली आपके यूनिट टू के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें डिस्कस किए हैं इससे पहले भी मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बनाई है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैनल टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किए तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियोज को देख सकते हैं वो आपके एग्जाम के बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। है, है, अब हम डिस्कस करते हैं हैं, यूनिट जो बहुत है है, जो कि ही ही क्योंकि आपके आपके की लाइफ प्रोसेस वो टू, -टू -थ्री आते ही कभी -कभी आते एग्जाम में, में कभी-कभी कभी-कभी चॉइस भी और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन डाइजेशन मूवमेंट ऑफ फूड इन गट एक्स्ट्रा इंटेस्टाइन डाइजेशन एबजॉर्बशन एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीशन एंड कुछ टॉपिक बेसिंग में सबसे इम्पोर्टेंर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम ग्ल सेल और पेरेफेल नर्वस सिस्टम ये इम्पोर्टेंट है उसके बाद है हमारा सर्कुलेशन ऑफ हिमोलिम्फ कौन कौन से हमारा ऑर्गन कैसा है सर्कुलेश सिस्टम का हीमोसाइड्स का फंक्शन क्या है हीमोलिम्फ का फंक्शन क्या है ठीक है तो ये बेसिक जो है इम्पोर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग इंट्रोडक्शन में अगर देखें तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंसेप्ट क्या है जिसने भी नहीं पढ़ा है वो हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं मैंने डिटेल में बताया है इंसेप्ट और उनके ऑर्डर्स को तो ये सारा कुछ मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी आप उसमें जाकर देख सकते हैं उसके बाद हम लोग मैंने आपको बताया था जो स्टडी इंसेक्ट्स की होती है उसको एंटेमोलॉजी कहते हैं फिर वहां पर इन्होंने इसको बताया है कि वहां पर हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस देख अब अब ये जो हमारी यूनिट है ना इसमें बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस देखेंगे कि इंसेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस में क्या होता है ठीक है हर एक इंसेक्ट होता है उसका प्रॉपर लाइफ होती है प्रॉपर फीडिंग मैकेनिज्म होता है ये सारा कुछ हम इसमें डिटेल में देखेंगे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो क्या हम देखेंगे लाइक फीडिंग एंड डाइजेशन क्या है वो डिस्क्राइब करने को डिस्क्राइब रेस्पिरेशन है ना एक्सप्लेन सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम एक्सप्लेन नर्वस सिस्टम मैंने जैसा कि बताया था आपको नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिम इंपॉर्टेंट है फीडिंग एंड डाइजेशन इंपॉर्टेंट तो ये सारे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि हम डिटेल में एक एक चीज़ को पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम तीन प्राइमरी पोर्शन की बात करेंगे वो कौन कौन से होंगे एक हमारा वो पहली बात तो वो जो कम्प्राइजेस होंगे वो क्या कम्प्राइज करेंगे दो करेंगे एक सिलेवरी ग्लैंड और एक इलांगेटेड गट ये भी पूछा जाता है फलिंदा ब्लैंड का क्वेश्चन है इनमें क्या होता है हमारा बेसिकली जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है हमको डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन देखने को मिलते हैं अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन इट मीन देखिए हर एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की अगर हम पढ़ा देखें तो उनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग लाइफ साइकिल होती है तो यहाँ पर भी ये बात करें कि जो गट सिस्टम है अगर हम उसको देखें तो वहां पर इनको क्या इन इनमेल्स में क्या देखने को मिलेगा वहां पर हमको ग्लैंड देखने को मिलेंगे ठीक है और वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा वहां हमको ये देखने को मिलेगा कि जो है वो प्रोड्यूस करेगा स्टेट्स के कुछ प्रोड्यूस होंगे वो हमें देखने को मिलेगा और फेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो हमें यहाँ पे जो बॉडी कैबिटी होगी फर्टिलाइज फीमेल की वो हमें देखने को मिलेगी कि वो फिल्ड होगी किसके एग्स के साथ और वो किससे कवर होगी उसके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ तो बेसिक चीजें हैं जो इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन तो इसको भी एक बार अच्छे से देखेगा अब हम पढ़ेंगे एंडोडम और एक्टोडम ये दोनों एक तरह की लाइंस होती हैं जो इंसेक्ट की बॉडी कैविटीज पे लाइन होती हैं और इसी को हम इसी को एक तरह से दूसरा नाम इन्होंने दिया है इसको हम हीमोकोल कहते हैं आपके डिफाइन द फॉलोइंग में हीमोकेल पूछा जाता है ठीक है तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसके अंदर एक फ्लूड होता है जिसको हम हीमोलियम फ्लूड कहते हैं ये जो होता है ये हीमोलियम फ्लूड जो होता है इसको बेसिकली ये इसको हीम कहते हैं हीम इट मीन्स आप ये कह सकते हैं ब्लड ठीक है और ये हमारे सारे और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये वहां पर मतलब होता है और ये क्या प्रोवाइड करता है

मेल्फीजियन ट्यूबल्स जो होते हैं वो हमारे स्कैटर्ड होते हैं कहाँ पर हिमोसिज में वहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं फिर उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी गट वेस्ट होता है वो कहाँ पे एक्सपेल्ड होता है एनस में और वो हमारा लास्ट पार्ट होगा तो वो जब हम डायग्राम को अच्छे से स्टडी करेंगे तो उसमें हमको आइडेंटिफाइड होगा उसके बाद यहाँ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारी जितनी भी मोटर सेंसरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इंसेक्ट की वो सारी इसमें आएंगी इसमें हमारे एंडोग्राइंड और न्यूरोसिक्रेशन साइट्स भी आएंगी मतलब जितने भी हमारे नर्व फाइबर मसल्स जितने भी टिश्यू इन सबकी जितनी भी वो है वो सारा कुछ हमारा इसी में आएगा नर्वस सिस्टम में ठीक है तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस अब डिस्कस करते हैं फीडिंग एंड डाइजेशन तो इंसेक्ट इन, का फीडिंग डाइजेशन की बात करें तो देखिए हर एक पर्टिकुलर जो भी इंसेक्ट हो उसकी फीडिंग हैबिट डिफरेंट

तो ये नाम जरूर याद रखिएगा ये नाम मतलब एक तरह से आपको एग्जाम में लिखना है ही लिखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब डाइजेशन की बात करें तो इन्होंने डाइजेशन में ये बोला है कि जितना ये एक प्रोसेस होता है मैस्ट, मैस्टिकेशन इसमें क्या होता है जितना भी हमारा फूड होता है वो क्या होता है वो हमारे बकल कैविटी तक नहीं जा पाता है तो इस वजह से क्या होता है वहां पर हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास प्रो वेंटिकुलस होते हैं ठीक है थीके? वो हेल्प करते हैं कि इसमें बाइटिंग और चोइंग में ये माउथ पार्ट है हमारा तो आप ये पहले तो आपको पता होना चाहिए फीडिंग डाइजेशन है क्या इसका जो डाइजेशन होता है वो इंजेमेटिकली कैटलाइज स्टेज पे होता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि कौन से स्टेज पे जब आप ये सब लॉन्ग में आंसर को अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें आपको ये सारे पॉइंट्स को अपने मेंशन करने होंगे और यहाँ पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं जब ये डाइजेशन प्रोसेस होता है इनजेमेटिकल स्टेज पे तो वहां पर आपको कुछ एब्सॉर्बल साइज के मॉलिक्यूल्स देखने को भी मिलते हैं अभी जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसके बारे में पढ़ें तो ये किस पर डिपेंड होता है लार्ज नंबर ऑफ इंजाइन पे जो क्या क्रिएट करते हैं एपिथेलियल सेल्स ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आप अपने लॉन्ग uh, क्वेश्चन के आंसर्स में इसको भी uh, जरूर लिखिएगा मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डाइजेशन प्रोसेस के फूड फीडिंग हैबिट्स को अगर हम देखें तो इसमें हम इसके मॉर्फो फिजियोलॉजिकल के बारे में क्या रिलेशन है मतलब कि मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकल क्या रिलेशन है वो भी हम उसमें मैंशन कर सकते हैं माउथ पार्ट्स के क्या क्या नाम है उनकी मॉडिफिकेशन भी हम अपने आंसर में ज़रूर लिखें मूवमेंट ऑफ फूड इन द गट अब ये एक हेडिंग आप जब हम लॉन्ग करते हैं तो लॉन्ग आंसर अटेन्ट करने का तरीका ही होता है कि हम क्या करते हैं सब हेडिंग्स लिख के उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हम अपना मूवमेंट ऑफ फूड इन द गट ऐसे करके लिख कर उसके बारे में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो यहाँ पर बताया है कि फीडिंग जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है इनमें पेरिस्टेलिक और एंटी बैरिस्ट्री दो तरह के टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं एक हमारा फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और एक बैकवर्ड मतलब जो फूड का एजेशन होता है एक फॉरवर्ड करता है और एक बैकवर्ड करता है कौन करता है पेरिस्टेलिक और एंटी बैरिस्टेफी तो ये दो टाइप ऑफ मूवमेंट है कि आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं फिर है एक्स्ट्रा इंटेज डाइजेशन तो ये क्या है इसमें क्या होता है इसमें जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जो भी इंजेक्ट करते हैं देयर होस्ट द टिश्यू एज इट कंटेन दैट हेल्प इन इन डाइजेशन मतलब इन्होंने ये बोला है कि जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सिलाईवा जब भी इंजेक्ट करते हैं अपने होस्ट सेल में तो वहां के जो टिश्यू होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इस वजह से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वहां पे उनके एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है तो एक्स्ट्रा इंटेस्टल का मतलब ही होता है ये हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी यहाँ पे बोल सकते हैं और एक्स्ट्रा ओरल भी बोल सकते हैं एक तरह का ऐसा डाइजेशन है जो क्या होता है हमारे होल डाइजेशन प्रोसेस में आता है जैसे कि एंट में होता है लॉइन में होता है ग्रब में होता है तो ये आप अपने एक्सप्लेन के टाइम एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर सकते हैं नेक्स्ट है एब्बॉर्प्शन एब्जॉप्शन हमारा कहाँ पे होता है हमारा रेक्टम में होता है वहाँ पे जितने भी हमारे आयंस हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें इन्होंने कॉकरोच का भी यहाँ पे एक बताया हुआ है कि कॉकरोच में एब्जॉपशन प्रोसेस कैसा है उसके बाद इन्होंने बोला है यहाँ पर एक टर्मिनेट्स और स्क्रिबाइट्स ये जो होते हैं ये सब हमारे एक तरह के पार्ट्स होते हैं जो इलम के टाइप इलम की तरफ हमें देखने को मिलता है तो जब अभी आप डायग्राम डाइग्राम समझेंगे तो उसको आपको क्लियर हो जाएगा और उसके बाद जितना भी फीसिस मटेरियल होता है वो रिलीज हो जाता है वाटर की बात करना है यहाँ पर वाटर आप देख सकते हैं तो वाटर जो है वो हमारे क्या करता है वो हमारे फीसिस मटेरियल को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और इसमें क्या होता है जितना भी हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फूड होता है या फिर जो भी होता है रिलीज करने का वो रेक्टम के थ्रू वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर हम एक चीज और इन्होंने बोली दो एंड्स की बात करी एक पोस्टीरियर एंड और एक एंटीरियर ये दोनों मिड गर्ट्स होते हैं और इन दोनों एड्स का, का काम क्या होता है ये वहाँ पर वाटर को फेसिलेट करते हैं यहाँ पे कुछ मेलफीजियन ट्यूब्यूल्स भी देखने को मिलते हैं वो क्या करते हैं उनका काम बेसिकली ये होता है वो हमारे एंटीरियर के पास होते हैं और द फूड इज कंस दिस वे दिमोलिम्फ इज नॉट डायटेड यहां पर हमें हिमोलिम्फ का कोई रोल नहीं देखने को मिलता है जब हम इंसेक्ट गट का रोल वाटर के थ्रू देखते हैं उसके बाद ये डायग्राम है जैसा कि मैंने जितनी भी स्टेज अब तक सब बताई वो सारा इसमें आपको जितने भी पार्ट है वो क्लियर है आप देख सकते हैं ये पहला हमारा एसोफेगस पे हुआ फिर उसके बाद वहां पर एंटीरियर मिड, गट फिर मेलफीजियन ट्यूबल पोस्टीरियर मैंने दोनों मिड गट्स की बात की वो कहां पर लाइस है मेलफीजियन ट्यूबल्स के पास उसके बाद हमारे कुछ पोस्टीरियर मिड गट्स है आप देख सकते हैं और उसके बाद जितना भी फूड एब्जॉर्ब था वो हमारा इलम के पास देन रेक्टम स्टोर रिलीज हो गया ये ए जो था ये हमारा जनरल अरेंजमेंट था गट सेक्शन का कि कैसे वहां पर फिल्टर होता है वाटर फूड है ना उसके

दोनों जो मिड गर्स है वो थे पोस्टीरियर और इंटीरियर तो आप उसको ऐसे करके लेबल कर सकते हैं

माइनस कर देंगे वेट ऑफ फेसेस से और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से जो कि क्या होगा हमारा वेट और फिर डिवाइड कर देंगे वेट ऑफ फूड इनजेस्टेड से तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा हमें रेंज पता चल जाएगा एफिशिएंसी का मतलब ही होता है टोटल इनपुट और आउटपुट पता चल जाता है तो वैसे यहां पर हमको क्या पता चल जाएगा टोटल रेंज पता चल जाएगी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की अभी कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स है जो मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किए उसी से रिलेटेड है इंसेक्ट दैट वी डॉन्ट सिंगल पार्ट आर कॉल्ड ये सारा कुछ आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और अगर आपने अच्छे से ये वीडियो देखी है तो आप ये इजिली सॉल्व कर लेंगे

ओनो एंड है ग्लैंड तो ये हमारा भी फिगर हम देखेंगे उसमें हमारे सारे जो भी ऑर्गन के पार्ट्स हैं वो विजिबल है मेलफ्यूजन ट्यूबल्स की बात में मैंने बताया था इसके साथ दो ट्यूब था था और पोस्टीरियर अब दोनों पर ये ये इसके एक्सक्रीशन की बात रहे हैं तो ये क्या कह कि जितना भी हमारा एलिमिनेशन होगा वेस्ट प्रोडक्ट का वो क्या वो क्या होगा हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू होगा पे जितने भी सॉलिड वाटर वेस्ट जितने भी जितनेब होंगे वो सारे क्या कहेंगे वो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑफ टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम एम्यनो एसिड मेटाबॉलिज्म अदर हार्मफुल सब्सटेंस एक्वायर्ड और कंज्यूम फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड ऑल और पार्ट ऑफ हिमोस्टिस और ये प्रोसेस इन्होंने क्या नाम दिया हिमोस्टिस कर दिया है ये क्या कर रहा है हमारे सिस्टम को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पर यहाँ पे यह ये प्रोसेस आपका पूछा भी जाता है डिफाइन द फॉलोइंग में कभी कभी सिर्फ हिमोस्ट्राइसिस पूछ लिया जाता है कभी कभी कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या पूछ सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का हिमोस्ट्राइटिस प्रोसेस क्या होता है अब है नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन ये क्या है तो इसमें हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हमारे इंसेक्ट जो भी एक्सक्रीट होते हैं उनमें क्या क्या जो मतलब जैसे नहीं होता कंटेंट होता है उसकी बात करें लाइक यूरिक एसिड स्पेसिफिक सॉल्ट यूरिक एसिड नोन नोनेस यूरेट ठीक है तो ये जितने भी हमारे जो कंटेंट है प्रोडक्ट उनकी बात की है, वो हमारा नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन है ठीक है तो यूरिन के थ्रू जो भी एक्सक्रीशन होता है लाइक लेस वाटर वाटर टू रिमूव वेस्ट जो भी होता है वो सारा हमारा नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन में आता है तो आप ना इसको एग्जाम्पल में भी बता सकते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में भी अभी हम लोग एक्सक्रीशन अच्छे से पढ़ के आए हैं इसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको एक बार हम अच्छे से देख लेंगे एक बार आप इसे रीड करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर इन्होंने सप्लाई ऑफ वाटर बताया मतलब इन्होंने ये चीज बोला है जैसे कि न्यूक्ला लारवा है तो वो किस किस स्टेज पर वहां पर किस किस स्टेज पर वो क्या करती है वो मतलब कि डैम करती है उसके बाद उसको कैसा एनवायरमेंट चाहिए रहता है ठीक है क्या वहां पे कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया तो ये सारा प्रोडक्ट ही है जहाँ पर इन्होंने लिख लिया लारवा की बात की तो एक्सक्रिटिव प्रोडक्ट में आपको ये थोड़े बहुत से प्रोडक्ट हैं जो याद रखने होंगे अमोनिया क्यों प्रोड्यूस करते बिकॉज इट इज हाईली पॉइजन तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा अब हमारा एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें हम दो मेजर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट की बात करेंगे जो हमारे वाटर को सेव करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो दो आयंस की बात करी वो एक है सोडियम और एक है पोटेशियम पहले हम इनको डिस्कस करते हैं और क्लोरिन ये सारे क्या हैं ये हमारे एक तरह के सोर्स हैं या फिर ये कह सकते हैं ये डिफ्यूजन शो करते हैं यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है जितने भी हमारे फ्रेश वाटर इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं वो हमारा एक तरह का हीमोलिम्पिक कम्पोजिशन हमें उनको देखने को मिलता है मतलब वहां पर जब एक्सक्रीटरी सिस्टम वो रेगुलेट करते हैं तो वहां पर हमें कुछ सेल्स का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जिस वजह से हमें वहाँ लॉस ऑफ वाटर देखने को मिलता है तो क्लोर यहाँ पर हर एक सेल का पर्टिकुलर फंक्शन बताया लाइक क्लोरी क्लोराइड सेल्स जो है उनका क्या है वो यूनिक सेल्स कहे जाते हैं एंड दे कैन बी फाउंड इन हिंड गट एंड कैन एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक तो जितने भी इनऑर्गेनिक आयन्स होते हैं ये उनको क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद ये उसकी फिलिंदा ब्लैंक से जितना भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया ये सारा कुछ उससे रिलेटेड है लाइक इन एक्वेटिक डैश और फिर उसके बाद आपकी जो ब्लैंक से सेल्स टू रेगुलेट इंसेक्ट आयन ये जो फिलिंदा ब्लैक है देख लीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है और आपके जितना भी मैंने पढ़ा है रिलेटेड है अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलशन ऑफ हिमोलिम हिमोलियम अभी मैं बता रही हूँ ये क्या करते हैं ये बेसिकली हमारे जितने भी लिक्विड प्लाज्मा और टेन परसेंट ऑफ वॉल्यूम जितने भी ब्लड सेल्स में हीमोसाइट्स होते हैं उन सबको कम्पराइज करते हैं इसके पास एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है जो किसके उसके बाद ये किसके सराउंडेड होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू सराउंड होती है और वहां पर एक पेरी न्यूरल कैविटी भी होती है कुछ नर्सकोट होती है और तीन प्रिंसिपल कंपार्टमेंट देखने को मिलती है जो कि अभी हमें आपको डायग्राम में हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी तीन कैविटीज हैं अब पहली जो ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी इन्होंने जो बात की वो पहली क्या है जैसे कि डौसल वेसल डॉसल अभी मैंने बताया था डॉसल वेसल मेन ऑर्गन एक सर्कुलेशन ऑफ इंसेक्ट का तो ये आपका एक फिलिंदा ब्रांड का क्वेश्चन है दॉसल वेसल इन द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेशन इन तो ये आपको बताना होगा ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट इसको एक अच्छे से तैयार करिएगा यहाँ पर इन्होंने बताया कि जितना भी सर्कुलेशन होता है वो कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम से होता है तो पहला हमारा डोरसल वेसल इसको हम डोरसल ओटा भी कहते हैं हार्ट डोरसल ओटा भी कहते हैं ठीक है ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो मतलब जो हिमोलिम का फ्लो होता है वो यूनी वन डायरेक्शन में शो करते हैं और फाइव टू सिक्स हार्ट चैम्बर जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं कुछ वॉल्व वॉल्स को हम ओस्टिया भी कहते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में तो ये एक हार्ट चैम्बर का ऑर्गन है जिसका क्या काम है ये क्या करता है ये जितना भी ब्लड होता है उसको हर एक चैम्बर में क्या करता है फ्लो करता है और वो इसको हम ऑस्ट्रिया ब्लड पंप होता है तो उसका भी काम कौन करता करता है है जो एक तरह का ट्यूब होता है जो हमारे ब्लड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड की तरफ जो होता है वो क्या करता है पंप करता है और किस में पंप करता है हेड कैप्सूल तक की ऑस्ट्रिया का बेसिकली यहाँ पे इन्होंने काम बताया कि ये इसका काम ये भी होता है कि जितनी भी जि हमारी

अब हम लोग पढ़ रहे हैं एलरी और एलिफॉर्म मसल्स तो इसके बारे में भी कुछ, एक बार आप अच्छे से, से रीड कर लेंगे तो समझ जाएंगे ये हमारी क्या होते है? होती है विंग शेप्ड मसल्स होती हैं इनको हम एलरी मसल्स कहते हैं क्यों ये मसल्स हमारी डायफ्राम के डॉर्सल डायफ्राम के बिटवीन में होती है मतलब डोरसल डायफ्राम और हार्ट के बिटवीन में देखने को मिलती है और यहाँ पे जो कॉन्ट्रेक्शन होता है वो पेरिस्टलेटिक कौन सा कॉन्ट्रेक्शन बहुत पूछा जाता है कौन सा टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्शन किसमें होता है तो एक बार इसे रीड करिएगा और एक अच्छे से एक बार याद भी कर लीजिएगा नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एसेसरी पिस्टलेट ऑर्गन ऐसे सारे ऑर्गन की बात करिए एसेट्लेस में भी यही एक बार इसको अच्छे से आप रीड करेगा आपको समझ में आ जाएगी तो ये मैंने जो ऑर्गन्स बताए थे ये बेसिक उन्हीं ऑर्गन्स की मैं बात कर रही हूँ उसके बाद यहाँ हम हीमोलिम्फ का डायग्राम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें इन्होंने बताया कैसे इसमें सर्कुलेशन हो रहा है मतलब एक इंसेक्ट का एल करा गया और इसमें देखा गया है कैसा हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो आप देख सकते हैं दो डाइफ्राम है मैंने बोला था हार्ट के बीच में ये आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है बीच में ये आपको यहाँ पे नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है उसके बाद क्या है ब्लैक से आप देख सकते हैं अयोटा शो हो रहा है फिर उसके बाद हमारा मीजोमेटाथोरेटिक जो रीजन है जहां पर पूरा ब्लड सर्कुलेट करा और दो डाइफ्रा विच इज एंड वेंट्रल और उसके बाद हमारा हार्ड लाइ है आप देख सकते हैं जो एरो है उसी के सनाउंडेड है so, सो ये हमारा क्या है ये हमारा डायरेक्शन है एक तरह का सर्कुलेशन जैसे हो रहा है इसका एलस ऑफे का अब यहाँ हम हिमोसाइट का फंक्शन पढ़ते हैं हिमोसाइट का फंक्शन इंपॉर्टेंट अगर आप हिमोसाइट एक्सप्लेन करेंगे और आपके डिफाइन में आएगा तो आपको वहाँ पे फंक्शन भी करना होगा तो बेसिकली जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है ठीक है कोई भी चोट लग जाती है तो हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं तो कई कई बार आप देखते होंगे वो रेड से मार्क हो जाता है ठीक है तो वैसे इंसेक्ट्स में भी होता है जो हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है हमारे एपिडर्मिस जब इंजर्ड होती है तो जो भी वुंड होता है उसमें हमारा जो ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वो एक वजह से हीमोलिम्स जो होता है वहां पर कुछ हीमोसाइट और प्लाज्मा कॉम्पोनेट होते हैं जो क्लॉटिंग में क्या करते हैं फॉर्मेशन मतलब प्लॉट का फॉर्मेशन वही करते हैं कौन कौन से हिमोसाइड्स और प्लाज्मा कॉम्पोनेट तो ये आपका फिरिंदा ब्लैंक का क्वेश्चन है ये भी एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा उसके बाद ये कुछ फंक्शन है जैसे इंटरनल आर इंटरन वेट हीमोलिम्फ व्हिच आल्सो फेसिलेट द मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स तो इस चीज का ध्यान रखिएगा द मेन फंक्शन ऑफ हीमोलिम्फ इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन ये आपको पता ही है कि इसका काम है न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये जितनी भी हमारे फीडिंग टिश्यू जो है उन सबको भी क्या करता है उनको कैरी करता है ऑर्गन्स में फिर वाटर लेवल की बात करें ये सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा फिर ये फोर्थ पॉइंट है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है जब पंपिंग प्रोसेस होता है आपको ये प्रोसेस जो उनके नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा लाइक एक डाइसिस एगिस मोल्टिंग कहते हैं फिर एक्सपेंशन इन इन एडल्ट्स फिर हैल अवर्शन ऑफ ऑस्मेटेरिया और फेल्पेड लार्वा एवर्शन ऑफ मास्क इन नैलेंड एंड ड्रैगन फ्लाई ऑफ बॉडी शेप इन सॉफ्ट बॉडीड कैटरपिलर तो इसमें से आप मतलब एक तरह से ये प्रोसेस है इसमें से आपको एटलीस्ट टू प्रोसेस तो याद होने चाहिए उसके बाद यहाँ पे ये हमारे वैसे तो मैंने सिक्स है पॉइंट मैंने आपसे बोला था इसमें से कोई फोर आप देख लीजिएगा लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे फंक्शन ये हमारा फंक्शन बता रहा है फंक्शन क्या था हिमोलिम का जो मैंने अभी डिस्कस किए थे फोर पॉइंट और ये दो पॉइंट और इनको एक बार देख सकते हैं इसमें हमारे फेगोसाइटोसिस इन और डिटोक्सिजेशन भी आते हैं जो क्या करते हैं हमारे को हीलिंग में हेल्प करते हैं और मैंने एक अपनी प्रीवियस वीडियो इम्यूनोलॉजी की डाली उसमें मैनोलाइजोसाइम्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो जिसको भी इस टॉपिक में दिखा था वो उसको भी एक बार देख सकते हैं अब उसके बाद ये कुछ उससे रिलेटेड फिलिंदा प्लान जो मैंने डिस्कस की लाइक इंसेक्ट हैव एन ओपन सिस्टम ऑफ सर्कुलेटन टू सर्कुलेट मैंने बताया था कि ये आपका फिलिंदा प्लान का क्वेश्चन है अब ये इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा नेक्स्ट वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन जो बेसिकली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं अब इंसेक्ट्स में हमारे कुछ एर उसमें एरोबिक एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं एक्सपेल करते हैं जिससे उनके कुछ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी और इंसेक्ट्स में क्या होता है हमारा जो रेस्पिरेशन होता है उसका दो मोड होते हैं एक प्राइमरी और सेकेंडरी तो प्राइमरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन में हमें ये देखने को मिलता है जितनी भी हमारी एटमोस्फेरिक गैसेस होती हैं वो डायरेक्ट हमारे मेम्ब्रेन सेल्स में जाके क्या करती हैं

से जिनसे आपके इन ब्लैंक फॉर्म होती है जो ट्रैकिंग होती है उसमें वो जो ट्यूब्स होते हैं वो गैस ट्यूब्स होते हैं और वहां पर गैसेस एक्सचेंज भी होता है ट्रैके जो होता है इसमें ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा ट्रांसपोर्ट होता है इंटीरियर ऑर्गन एंड टिश्यूज का तो ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा उसके बाद यही इस पे बता रहे हैं ट्रैकल ट्रंक के बारे में तो ये क्या करता है ये जो इसका जो ट्यूब्स होते हैं उसको भी सब डिवाइड किया गया है किसमें डिवाइड किया गया है स्मॉलर डायमीटर रीच ईस्ट अब इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया है इतना डिटेल में आपको नहीं जाने की जरूरत है आपको अपने जो लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने उसमें टू द पॉइंट चीजों को लिखना है लाइक जैसे यहाँ पर इन्होंने बात की है कि जो फ्लाइट मसल्स होती है उसमें हमारे मेलफीजियन ट्यूबवेल रेक्टल पैपला एंड गर्ट एपिथिलियल ये सारे जो है ये हमारे ट्रैकुलस के पास हमें देखने को मिलता है तो इतना बस देख लीजिए डायमी

ये डायग्राम है आप देख सकते हैं इसमें हमारे ट्रैकल सिस्टम की बात की मैंने बताया था आपको ट्रैकल सिस्टम में कुछ स्पायरल देखने को मिलेंगे तो ये हमारा ओपन ट्रैकल सिस्टम और क्लोज ट्रैकल सिस्टम है हमारा फर्स्ट जो है वो ओपन है और ट्रैकल तो यहाँ पर हम दोनों ही सिस्टम की बात करेंगे और ये पूरा जो है ये हमारा ट्रैकल सिस्टम है जो हमारे ट्रैकिया और ट्रैकोलॉस को शो कर रहा है कैसे वो मैं बताती हूँ देखिए आप पहले देख सकते हैं जो हमारा ओपन सिस्टम इसमें हमारे क्या देख रहे हैं हमें एपिथिलियल सेल देखने को मिल रहा है और टेंटिनेट्स मिल रहे हैं और उसके बाद हमारे जो आगे आप देख सकते हैं जो फ्लैजला के नीचे की जो लेयर है जहां पे आपको देखें ब्लैक कलर का डॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो हमारे ट्रैकुलर सेल्स हैं ठीक है ठीके? तो ये आपका किसके -किस ओपन ट्रैकल सिस्टम का है दूसरा हमारा इन्होंने जो क्लोज ट्रैकल सिस्टम की बात की है उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हीमोलिम्प का जो इन्होंने स्ट्रक्चर बताया क्यों क्योंकि यहाँ पर भी हमारे ट्रैकल सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ल्यूमन ऑफ ट्रैक ये जो बीच बीच में जो स्पेस है उसको इन्होंने बोला है टेंडीनियम जो आपको जो है बिल्कुल कॉलमदार है स्ट्रक्चर उसकी बात इन्होंने की है फिर आपके बार आउटर सॉरी एपिक्यूटिकल है और ये पेसल लैमिना है सो so, इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा फिर हमारा क्लोज टैकल सिस्टम क्या होता है ये हमारे बेसिकली एक्वेटिक्स में होते हैं यहाँ पे एंडोपेरासिटिक लार्वा होते हैं और स्पाइरल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ठीक है बहुत से ट्रैकी ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म ऑफ नेटवर्क में ठीक है तो जितनी भी फेस होती है उनमें हमारा क्लोज ट्रैकल सिस्टम होता है ये ध्यान रखिएगा और बाकी इन्होंने यहाँ पे कुछ गिल्स की बात की है, जिसको भी इन्होंने कैटेगराइज किया है नाइडर रेक्टल गिल्स और फ्लाई तो ये जरूरी नहीं है बस आपको इतना पता होना चाहिए क्लोज ट्रैकल सिस्टम किसमें होता है क्या एबसेंट होता है उनकी ट्रैक्रिया किसमें डिवाइड है उसकी बॉडी किससे कवर्ड है अदर फंक्शन ऑफ ट्रैकल सिस्टम की बात करें तो उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या फंक्शन है ट्रैकल सिस्टम के ठीक है तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा जैसे हमारे ईयर सैक्स इसमें जो होते हैं वो क्या करते हैं वेरिएशन शो करते हैं उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला एक्सपेंशन ऑफ ट्रैकल सिस्टम यहाँ पर और इन्होंने ये चीज भी बोली है कि हमको क्या देखने को मिलता है एयर सैग्स प्रोवाइड बोएंसी बाई लोअरिंग द इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये सारे जो है ये कुछ टर्म्स पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है जब आपका फंक्शन पूछे जाते हैं ट्रैकल सिस्टम है तो आप उसमें ये इसको ईजिली लिख सकते हैं और वो थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट भी रहेगा उसके बाद ये फिलिंदा ब्लैंक है जो कि हमारे जितने भी टॉपिक अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है अभी मैंने ये पहला वाला तो जो फिलिंदा ब्लैंक है वो डिस्कस भी की है जैसे द डैश इज सीरीज ऑफ गैस फिल ट्यूब दैट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज एंड अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द ट्रैकल सिस्टम फ्रॉम द एयर सो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे एक बार तो ये सारे कर लिए के बाद मस्कुलरेचर एंड लोकोमोशन की बात करते हैं तो ये भी इन्हों का जो मूवमेंट ऑफ इन, मतलब इंसेक्ट की बॉडी में जो मूवमेंट में होता है वो हमारा मस्कुलेचर होता है और लोकोमोशन तो आप सभी जानते हैं क्या होता है लोकोमोशन जैसे फीडिंग है वॉकिंग है है जंपिंग फ्लाइंग है तो ये सारा जितना भी काम है इसमें हमारे मल्टी मल्टीन्यूक्लियट सेल्स ये पूछा जाता है मस्कुलेचर में हमारे कौन से टाइप ऑफ सेल्स यूज होते हैं फिलेंदा लाइन में भी पूछ सकते हैं और आप इसको जब डिफाइन करें तो ये लाइन जरूर उसमें एड ऑन करिएगा उसके बाद इन्होंने बोला यहाँ पे हमें कुछ करते हैं और दो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं कौन कौन से मायोसिन और एक्टिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसमें हमको एटीपी डिपेंडेंट इंट्रेक्शन देखने को मिलता है ये पूछ सकते हैं कौन सा टाइप ऑफ इंट्रेक्शन देखने को मिलता है तो इसका भी अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप कर लेंगे, तो लेंगे, तो लेंगे। वॉकिंग और रनिंग क्या है अब वॉकिंग रनिंग के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था पीछे तो यहाँ पर हम इन्होंने जो बेसिकली डिस्कस किया वो इन्होंने बोला जैसे इंसेक्ट बहुत से हैं जो वॉक करते हैं ग्राउंड सरफेस पे है ना तो उनके लेग्स की की बात की। तो इन्होंने क्या कहा लेग पे सबका एक पेयर ऑफ लेग्स होता है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है वहां पर भी एक कोऑर्डिनेशन देखने मतलब एक मूवमेंट देखने को मिलता है तो ये देख सकते हैं आप दे मस्ट मूव इन ऑर्डर टू फाइंड फूड विद अ आज इंसेक्ट सक्सेस टेरिस्ट्रियल एनिमल इज ड्यू टू देयर हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी विच स्टेम

जंपिंग क्रॉलिंग अब जंपिंग क्रॉलिंग को भी अगर एक बार आप अच्छे से रीड कर यहाँ पे फ्रूट फ्लाई की इन्होंने एग्जांपल दिया जो फ्रूट फ्लाई होती है वो जंपिंग का इन्होंने बताया वो जंपिंग इंसेक्ट में आता है जिसको हम बोलते हैं डेपटेरा लार्वा ये स्टेज है जिसपे यहाँ पे हमको फ्रूट फ्लाई लार्वा को हमको जंपिंग स्टेज जंपिंग देखने को मिलती है मतलब की ये ऐसे ऐसे हमारे इंसेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें हिंड लेंस देखने को मिलते हैं अभी आपको अगर डिटेल में अगर आपने हेज्जा और ये सब पढ़े होंगे तो आपको इसमें क्लियर होंगे ये लेग्स क्या होते हैं ठीक है जंपिंग इंसेक्ट्स में हमारे कौन कौन से आते हैं लॉकस्ट आते हैं ग्रास हॉपर आते हैं इन सबके बीच में कौन सा कॉन्ट्रेक्शन होता है मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन तो ये भी आपको याद रखना होगा मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन किसके बीच में होता है फिर है क्रॉलिंग क्रॉलिंग तो सभी लोग जानते हैं क्रॉल करना मीन क्रॉल करके चलना तो सब लोग जानते हैं तो क्रॉलिंग में इन्होंने किसका नाम दिया इसमें तो कोई एग्जाम्पल फिलहाल नहीं है वैसे हम एंड को उसमें रख सकते हैं सो तो एंड जो है हमारे क्रॉलिंग में ही आते हैं मूवमेंट ड्यू टू इलास्टिसिटी अब इसमें कुछ मूवमेंट्स अब सबके मूव जैसे इंसेक्ट्स की जो फ्लाइंग मैकेनिज्म है उसमें भी बहुत से मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे हमको अलग अलग तरह के अप ऑल डाउन ये भी मैंने अप डाउनवर्ड स्ट्रोक डिस्कस किया है जिसने भी नहीं देखा है वो हमारी प्रीवियस इंसेक्ट की वीडियो देखे और उसको इजिली क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये ब्लैंक्स जो हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है लाइक डैश आर इमेटेड इन द साइटोप्लास एंड स्ट्रेच कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू द फाइबर टू द अदर आर कैरेक्टराइज ऑफ दीज मसल्स फाइबर तो आप इसमें आप बता सकते हैं क्या है तो अगर आप अच्छे से एक बार पीछे का सारा कुछ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर हम लोग डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो इसको अच्छे से एक बार समझिएगा इसमें नर्वस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली क्या होती है नर्वस सिस्टम में इसमें हमको इसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करेंगे ये हमारे कुछ सेंसरी जो होते हैं उनको न्यूरोज करता है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये हमारे जितने भी इनपुट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितना भी हमारे रिसेप्टर्स हमको वर्क करते हैं उसमें हमारा हेल्प करता है यहाँ पे जो नर्व सेल्स होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं गिलयल सेल्स को और बेसिक सेलुलर कॉम्पोनेट्स भी कुछ नर्वस सिस्टम के हमें देखने को मिलेंगे सो अब हम लोग इसके डायग्राम की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कुछ हमारे जैसे न्यूरॉन्स की बात करें इसका ये डायग्राम है आप इसको इजीली देख सकते हैं यहाँ पर आप पहले देख रहे हैं एग्जॉन्स हैं फिर ये हमारे कुछ डेंड्रियाड्स हैं यह आपने जिसने भी नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ा होगा ना उसको उसमें दिक्कत नहीं होगी पूरा ये बेस्ड है हमारा नर्वस सिस्टम पे बस यहाँ पर हम लोग इंसेक्ट्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं इंसेक्ट्स के नर्वस सिस्टम को फिर ये हमारा सोमा सेल बीच में हमें देखने को मिल रहा है सेंटर में और फिर हमारे ये तीनों स्टेज है एक मोनोपोलर एक है पोलर है और एक बाइपोलर है तो ये मल्टीपोलर तो इन तीनों स्टेजेस को हमको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कौन सी स्टेज कब पूछ ली जाए इसलिए इसका डायग्राम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा उसके बाद इसकी कुछ थ्योरी है 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 इसको आप इसमें एक एक सिनेप्सिस प्रोसेस होता 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 जिसमें क्या पॉइंट है? है जहां पर क्या होता है हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वो क्या होती वो होती है है ट्रांसमिट हमारे बॉडी में और यहाँ पर क्या होता है इसका बेसिक काम ही ये होता है कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करे वन सेल टू अनदर टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर गैप होता है जिसको हम क्या कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये पूछा जाता है क्या होता है तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा गिलैल सेल्स क्या होते हैं गलेल सेल्स आर मोर अबंडेंट देन न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम अब ये इन्होंने बताया सेल्स की बात करी तो इसका इन्होंने बोला है कि ये जो होते हैं ये हमारे क्या न्यूरॉन्स के ही पार्ट में एक तरह के सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है ये हमारे ग्लाइकोजन को रिजर्व करते हैं और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं इसका इन्होंने एक तरह का प्रोजेक्शन बताया वो फिंगर लाइक -like बताया और इन्होंने क्या कहा है ये इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे रिपेयरिंग होती है उसमें भी बहुत हेल्प करता है अब कौन कौन सी इन्होंने नर्वस सिस्टम कौन, -कौन कौन से इंसेक्ट की बात की देखते हैं एक सेंट्रल है एक विस्करल है और एक पेरिफेरल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है फिर विस्क्रल को हम सिंपेटिक और स्ट्रोग्रिक भी कहते हैं और पेरिफेरल ये तीन तरह के नर्वस सिस्टम है जिसको हम डिस्कस करेंगे उसके बाद हमारे ब्रेन पहले भी तो हमें ब्रेन का पता होना चाहिए ब्रेन में क्या है तो ये आप एक बार इसको अच्छे से रीड डाउन करिएगा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें कुछ कुछ टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक like, जैसे यहाँ पर बोला है कि जो हमारे ब्रेन होते हैं उनको सेपरेट तीन डिस्टिंग चीजों से से तीन सेपरेट किया गया विच इज प्रोटोसेरेब्रम ड्यूटो सेरेब्रम एंड ट्राइ ट्राइटोसेरेब्रम ट्राय, तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट इनको एक बार अच्छे से पढ़िए उसके बाद यहाँ पे जो एंटीना होते हैं वो क्या होते हैं इनोवेटेड होते हैं ठीक है उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि ये किसके बिहाइंड होते हैं ये हमारे प्रोटोसेरेब्रम के अभी हमने डिस्क डिस्कस थे तीन तरह के सेरेब्रम तीन तरह के डिस्टिंग लोब्स कौन कौन से प्रोटो सेरेब्रम ड्यूट्रो सेरम एंड राइटो तो ये उसी से रिलेटेड अभी हमें बायलोब स्ट्रक्चर भी इसके आगे देखने को मिलेगा फिर ट्राइसेरम के भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा तो ये सारा कुछ डिटेल में इन वर्ड्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा ये आपके आंसर में जरूर यूज होने चाहिए नेक्स्ट है विस्क्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्या है तीन सेपरेट सब सिस्टम की बात करी है एक है यहाँ पर स्टोमेगिस्टिक जिसको हम इसमोडियल भी कहते हैं फिर है वेंट्रल विस्क्रल और फिर है कॉर्डल विस्क्रल तो ये आपके क्या है ये आपके तीन तरह के नर्वस सिस्टम है वैसे बेसिक आपकी ये यूनिट क्लास बहुत बड़ी है तो इसको अभी एक साथ डिस्कस करना नॉट पॉसिबल बट जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन किया है आप लोग उन टॉपिक्स को अच्छे से देखिएगा और इन लाइन्स को जो मैंने बोला है ना जो वर्ड्स को बोला है उनका बहुत ध्यान रखिएगा वो आंसर्स में आपके होना मस्त है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बाकी मैं आपके लिए सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगी है ना कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट टॉपिक्स भी लाऊंगी बहुत से बच्चे असाइनमेंट जो होते हैं 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 वो छोड़ देते सोचते कि अरे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं मैंने उसके लिए भी कुछ असाइनमेंट टॉपिक्स आपके लिए बना के रखे हैं वो भी मैं जल्दी आपको वीडियो दूंगी उन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा आपका एग्जाम अच्छा होगा और जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियो उनको एक बार अच्छे से देखिएगा जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया ना उसको बार बार देखिएगा आप सारे पेलिंदा ब्लैंक्स और वो सारी चीजों को सॉल्व कर लेंगे थैंक यू क्लास बाय